नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए। गणित में आज प्रश्नावली 8.1 बताने जा रहे हैं, यानी कि त्रिकोणमिति। तो दोस्तों, अभी तक हमने 6 प्रश्न बता दिए हैं और आज 7वां नंबर प्रश्न बताएंगे। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में प्रश्नावली 8.1 यानी कि 8.1 से यानी त्रिकोणमिति से इस चैप्टर से आपको 2 प्रश्न पूछा जाएगा, 5 या 2 नंबर का। तो प्रश्न आप देख रहे हैं, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर देख रहे हैं 1 + sin θ (1 - sin θ) / 1 + cos θ (1 - cos θ). दूसरा नंबर प्रश्न है, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो दोस्तों, बनाने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या सल्यूशन, या आप हिंदी में हल लिख सकते हैं। तो हमें दिया क्या गया है, यानी कि कोट थीटा बराबर दिया गया है 7/8। तो हम सभी कोट थीटा का मान जानते हैं कि कोट थीटा बराबर होता है आपका b/p। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि b बराबर हो जाएगा आपका कितना, 7, और p बराबर कितना हो जाएगा, 8। b बराबर 7 और p बराबर हो जाएगा 8। तब हमको h का मान क्या हो जाएगा, वाट। तो h बराबर निकालना है, तो h बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर p स्क्वायर और फिर प्लस b का स्क्वायर, तो √p कितना है, 8। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका b कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर √ कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो फिर √ कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 9 * 4 = 13 + 1 = 6 + 10 = 11, यानी 113 आ गया आपका, यानी कि h बराबर आ गया √113। अब हमें ज्ञात करना है क्या, एक नंबर या दो नंबर, पहले एक ही नंबर बना लीजिए। तो क्या दिया गया है, 1 + sin θ (1 - cos θ) / 1 + cos θ (1 - cos θ). तो दोस्तों, एक ऐसा सूत्र होता है, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में बराबर होता है a² - b² इतना होता है, यानी इसके बराबर इतना होता है। तो आप सभी देख रहे हैं, ये a हो गया और ये a हो गया, तो ये भी a, ये भी a, प्लस माइनस b दोनों सेम मिल रहा है दोनों में। तो हम इसे, आप इसको यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, इसे लिख करके कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से, ऐसा इतना दिया हुआ है तो इतना लिख सकते हैं, तो आप ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि a का स्क्वायर और फिर माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन का स्क्वायर थीटा बटे में a² - cos² θ। तो अब हमें यहाँ पर लिखना है, यानी कि 1 - sin का मान क्या होता है, p/h, इस पे स्क्वायर कर दीजिए बटे, फिर 1 - cos का मान क्या होता है, cos का मान होता है b/h, इस पे स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहां समझ रहे हैं बात आप। अब यहां पर देखिए 1 - p का मान कितना है, तो p का मान 8 है, तो 8 बैठा दीजिए बटे, उसके बाद h का मान यहाँ निकाले हैं, h का मान 113, √113 इस पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर, फिर बटे 1 है, 1 दे देंगे माइनस, अब देखिए b का मान कितना है, 7, तो 7 यहाँ पर लिख देंगे बटे h का मान, यानी h का मान कितना है आपका, √113, इस पे भी स्क्वायर कर देंगे। तो अब आपका क्या आ जाएगा, यानी कि एक का तो एक ही रहेगा, माइनस इसका वर्ग करेंगे, यानी कि 8 का कितना हो जाएगा, 64/, और इसका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो 113/, नीचे में एक का तो एक ही रहेगा माइनस, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा बटे, और इसका रूट खत्म हो जाएगा,
यानी 113। अब देखिए इसको इसके साथ गुणा करिए, जब इसको इसके साथ गुणा करिएगा तो ये क्या होगा 64 घट जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब देख रहे हैं कि 1 - 64/113 है तो न कुछ, तो इसके नीचे 1 है तो इससे इसमें गुणा करेंगे और ये क्या होगा घट जाएगा। तो 113 में 64 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 49, 49/113। अब ये बड़ी वाला बटे दे दिया। अब नीचे भी वही काम होगा, यानी कि 113 को गुणा करेंगे और 49 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, यानी कि 113 में 49 घटेगा तो 64 बच जाएगा, 64/113। अब ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि ये जैसे के तैसे उतरेगा, 49/113 गुना ये पलट जाएगा 113/64। तो अब देख रहे हैं ये 113 और 113 कट जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा 49/64। ये आपका पहला का आंसर आ गया। उसके बाद अब दूसरा था, अब आपका दूसरा था क्या कि दूसरा है आपका 2 नंबर cot square theta। तो cot square theta का मान होता है क्या b बटे p, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर, तो b का मान कितना है, b का मान है 7, तो 7 और p का मान है 8, यानी कि इस पे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो दोनों बराबर ही आया, ये आपका आंसर आ गया। सेम इसी का स्क्वायर कर दीजिए वर्ग, आंसर आ जाएगा 2 नंबर का। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।